दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान स्टार फिल्म चक दे इंडिया के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि शाहरुख खान स्टार फिल्म चक दे इंडिया 10 अगस्त सन 2007 को रिलीज हुई थी। यह एक स्पोर्ट्स मूवी है। इस मूवी का निर्देशन शिमित अमीन ने की थी। चक दे इंडिया मूवी को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था। इस मूवी की बजट की बात करें तो चक दे इंडिया मूवी की बजट 20 करोड़ रुपए था। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की यह फिल्म पहले दिन 3 करोड़ 10 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें चक दे इंडिया मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी पहले वीक में 23 करोड़ 47 लाख रुपए की शानदार कमाई करने में सफल रही थी। वहीं अगर बात करें इस मूवी के लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो चक दे इंडिया मूवी का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन 67 करोड़ 72 लाख रुपए रहा था। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109 करोड़ 20 लाख रुपए रहा था। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी ओवरसीज में 17 करोड़ 78 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की थी, जबकि इस मूवी की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 91 करोड़ 42 लाख रुपए रहा था। तो दोस्तों इस तरह से शाहरुख खान की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। दोस्तों अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नए व पुराने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।